ఆర్యం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోక శంకరం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాలనారాయణం సూత్రభాషకతో వందే భగవంతౌ పునః పునః ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే రూపవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. कौन सा श्लोक है? है ना, पचपन चलेगा, हो गया. किंच आत्मा सुखम అనుపాధిక ప్రేమ గోచరత్వాత్ యన్నైవం తన్నైవం యథా దుఃఖాది ఇతి అనుమానాంతరం ఆహ. ఇస్కే అతిరిక్త ఆత్మా సుఖ స్వరూప హై. పహలే యే బతాయా కి सब कुछ आत्मा के लिए होता है. जो भी इष्यमाण है वह सब आत्मा के लिए होता है. आत्मा किसी के लिए नहीं होता. शेष और शेषी इसी को कहते हैं. शेष माने अंग, शेषी माने अंगी. तो जो भी मनुष्य किसी वस्तु की अभिलाषा करता है वह अपने लिए करता है. तो आत्मा जो है वह शेषी है और सब शेष है. इस प्रकार आत्मा में सबकी इष्यमाणता शेषिता सिद्ध हो गई. सब आत्मा के लिए है. तो आत्मा जो है सर्वप्रिय हो गया. सबके लिए आत्मा प्रिय है. आत्मा की प्रियता के सब लिए सब प्रिय है. तो ऐसे ही उन्होंने सुख को भी बताया कि सुख भी जो है हम किसी भी वस्तु को चाहते हैं तो वो सुख के लिए चाहते हैं. सुख किसी के लिए नहीं चाहते. तो इस तरह से जो लक्षण आत्मा के हैं वही लक्षण सुख के हो गए. इस तरह से लक्षणिक से लक्षिक हो जाता है. जहाँ दोनों का लक्षण एक है वहाँ पर लक्ष्य की भी एकता हो जाती है. जैसे आप देखिए भागवत में वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे. तत्ववेत्ता जिसको तत्व ज्ञान और अद्वय कहते हैं वही ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन शब्दों से शब्दित होता है. इस पर लोग कुछ द्वैतवादी जो हैं भेदवादियों का ये कहना है कि ब्रह्म में परमात्मा में और भगवान में भेद है. ब्रह्म भगवान का ब्रह्म बहिरंग रूप है. उससे कुछ अंतरंग रूप परमात्मा है और भगवान उससे अंतरंग है. तीनों भेद मानते हैं.
तो उसमें उदाहरण देते हैं कि जब नारद जी सुधर्मा सभा में आ रहे थे तो एक बहुत ही उज्ज्वल वस्तु आ रही है, ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ, समासनों को। हाँ, चयस्तुषाविधारितम पुरा ततस्तरीत विवाह कृति विवाहिकता कृति विभक्त सर्वावयवम पुनः प्रमाणित उमानिति क्रमादमु नारद इत्यवोचितः। जब नारद जी आए तो पहले ऐसा लग रहा था कि तेज का समूह चला आ रहा है, फिर जब निकट आए तो लगा कि कोई शरीरी है। उसके पश्चात हाँ पहले अग्नि आ रही है, तुषाम चया माने कांतियों का समूह, कोई तेजपुंज चला आ रहा है। उसके बाद उसमें शरीरी की भ्रांति हुई, फिर विभुर विभक्ता वयवम पुनः प्रमाणित, फिर वो कोई विवाह विभक्ता वयव पुरुष है, हाथ पैर नाक कान सब दिखाई पड़ने लगे, इस तरह से कोई शरीरी है। फिर अब में फिर और निकट आए तो नारद देखते हुए, ये नारद। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म वो है जो दूर ब्रह्म का रूप है, जैसे भगवान के चरण नख की जो छटा है वो ब्रह्म है। क्या यार जोर से बोला करो, ये राम के चरण कमलों की जो ज्योत्सना है, राम पाद के नख की जो ज्योत्सना है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को उन्होंने उनको तुच्छ बना दिया, तो ऐसा नहीं है। जब तत्त्वम यज्ञान अमद्वयम तीनों का एक लक्षण बताया तो नाम में अंतर हो सकता है, वस्तु में अंतर नहीं हो सकता, वस्तु एक ही है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। तो लक्षण के भेद से लक्ष्य का भेद होता है, लक्षण के ऐक्य से लक्ष्य का ऐक्य होता है। तो हमने ये दृष्टांत वहाँ का इसलिए दिया कि वहाँ भी लोगों ने अनेकत्व की कल्पना की है, लेकिन लक्षण की एकता से वहाँ एकता सिद्ध हुई। यहाँ भी आत्मा में और सुख में एक से लक्षण मिलते हैं, ये पहले श्लोकों में बताया जा चुका। अब सीधे सीधे आत्मा को और सुख को एक ही मान रहे हैं। हाँ, तो मम प्रत्यक्षम भूयात, इसका पर्याय ये किया गया कि मम सुखम प्रत्यक्षम भूयात, ये भावना हो सकती है या